नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं पांच बड़ी खबर। मुंबई के उपतटीय क्षेत्र में पिछले महीने आए चक्रवात ताऊते के दौरान डूबे बार्ज P-305 के लापता कप्तान राकेश बल्लभ के शव की पहचान डीएनए मिलान के जरिए की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि शव की पहचान उनके परिवार के एक करीबी सदस्य के डीएनए नमूने के मिलने के बाद हुई। बार्ज P-305 डूबने के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा गठित जांच टीम ने शुक्रवार को ONGC के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच पूरी होने तक ये अधिकारी निलंबित रहेंगे। ONGC के 3 डायरेक्टरों को निलंबित किया गया है। ये तीनों डायरेक्टर ड्रिलिंग, सेफ्टी और एक्सप्लोरेशन के लिए जिम्मेदार थे। मुंबई के अरब सागर में शहर से कई मील दूर समंदर में आए ताऊते तूफान में फंसकर बार्ज P-305 डूब गया था। इस हादसे में 86 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई के मलाड़ी स्थित मलवाने पुलिस ने नागिन 3 फेम टीवी एक्टर पल्लवी पुरी समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। पल समेत सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया है। पीड़िता ने कहा कि पहले उसके साथ कार में रेप किया गया और फिर उसके साथ इसे बार बार दोहराया गया। पल और बाकी आरोपियों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में रेप और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद 4 जून की रात को पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और केंद्र के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस लागू नहीं करने को लेकर पिछले दिनों जमकर बवाल मचा था। इसी बीच कंपनी ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर उससे ब्लू टिक हटा दिया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष अधिकारियों के निजी हैंडल को भी अनवेरिफाइड कर दिया है। RSS के सह सरकारवाह अरुण कुमार, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी समेत अन्य नेताओं के निजी हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया है। इस खबर को लेकर लोगों ने कंपनी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। यूजर्स ने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। कानून को ताक पर रखकर यूपी बलिया के लड़कों ने खुलेआम बर्थडे पार्टी मनाते हुए वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। तलवार और तमंचे के साथ पार्टी का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने तलवार से केक काटने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और वीडियो में दिख रहे 2 लड़कों की तलाश कर रही है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। बीते कई हफ्तों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों के आंकड़े में उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 1.20 लाख नए कोरोना केस सामने आए हैं, जो 58 दिन बाद यानी करीब 2 महीने बाद अब तक एक दिन में सबसे कम नए केस। हालांकि मरने वालों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,300 से अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.20 लाख नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,380 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट अधिक होने की वजह से कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ घटता नजर आ रहा है। भारत में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 16 लाख से कम है। तो ये थे आज के हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंद न्यूज़।